हम काला धन लेकर आएंगे। कहां गया काला धन? एक चवन्नी तो लेके आ नहीं सके, बातें करते रहे फुसलाने के लिए, बहकाने के लिए, असली मुद्दों से दिमाग भटकाने के लिए कि हम काला धन लेकर आएंगे। और बहुत सारे पैसे जो हैं इधर उधर के, उनका हिसाब ठीक कर देंगे। अरे कितने 15, 16, 17 करोड़ लाख करोड़ रुपए थे जो आपने हवा हवाई कर दिए, वो सारे पैसे तो वापस आ गए। आरबीआई भी यही कहता है, पहले तो कहता था आप गिनती कर रहे हैं, जब आपने पूछा हमने पूछा पार्लियामेंट में कि बताओ तो सही कितने पैसे आए, तो पहले तो छुपाया, दबाया, बताया नहीं, महीनों महीनों बताया नहीं। हाँ गिनती चल रही है, गिनती चलने में आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में गलती गिनती चलने में इतने महीने लग जाते हैं। अंतोगत्वा पता चला कि जितना पैसा किया था उतना पैसा वापस आ गया, 17 करोड़ के आस, 17 लाख करोड़ के आसपास। ये क्या तमाशा है? एक और बेरोजगार अभी इससे उभर नहीं पाए थे, किसानों की हालत इतनी दयनीय हुई, आत्महत्याओं का दौर और बढ़ गया, अभी इससे उभर नहीं पाए कि अचानक कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी की घोषणा कर दी। कभी महीने में 3 बार, कभी 1 महीने में 3 बार, कभी 3 महीने में 1 बार। जीएसटी में जितना अमेंडमेंट हुआ है, साल में अगर 365 दिन होते हैं तो अभी तक करीब करीब 400 बार अमेंडमेंट हो चुका है। पहले सोचते नहीं है क्या? पहले सोच विचार नहीं करते, सलाह मशवरा नहीं करते हैं? इस जीएसटी की वजह से और तो और देश की व्यापारियों की क्या हालत हुई, किसानों की और क्या हालत हुई, दुकानदारों की क्या हालत हुई। हमारे अपने गुजरात में, जो उनका भी गुजरात है, वहां पे महीनों महीनों कपड़े व्यापारी वापस बाहर आ गए सड़कों पे, आंदोलन शुरू हो गया। आज देखिए इस सरकार में, और ये हमारे झारखंड के मित्र लोग जो हैं, जो दोस्त हैं हमारे झारखंड के सत्ता में, वो भी तो भागीदार हैं। कहते हैं एक सरकार अगर आपकी यहां रहेगी, अभी चुनावी भाषण में कहते हैं एक सरकार आपकी यहां रहेगी और एक सरकार आपके केंद्र में रहेगी तो हम मिलकर बराबर पहिया मजबूती से चलेगा और मिलकर तरक्की करेंगे। अरे बेड़ा गर्क कर दिया आपने। आज जरा पूछिए तो सही कि कौन सा उद्योग आपका फल फूल रहा है? एक उद्योग बताइए जो फल फूल रहा है। मैं बता सकता हूं एक उद्योग कौन सा फल फूल रहा है। वो उद्योग है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनका ट्रोल उद्योग, ट्रोल। वहां पे लोगों को नौकरियां दी जाती हैं कि कोई भी आप अच्छा काम करो, आप अच्छा काम करो, आप अच्छा काम करो, तो उनका ट्रोल उद्योग है सोशल मीडिया पे। वो आपको लगातार एक वॉर रूम बना हुआ है, बैठ के लगातार आपको गालियां देंगे, आपकी आलोचना करेंगे। देश का इतना बड़ा उद्योगपति, महात्मा गांधी के इतने करीब, उनके लेगेसी वाला व्यक्ति, नाम सुना होगा आपने हमारा बजाज, और वो रामकृष्ण बजाज जी का वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर, उसने अभी कहा कि इस सरकार में बहुत भय लगता है, इस सरकार में आप सच्ची बातें नहीं बोल पाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी या यूपीए की सरकार थी तो आप किसी की भी आलोचना कर सकते थे, अभी अगर आप आलोचना करेंगे तो कोई एजेंसी पीछे पड़ जाती है, कोई सीबीआई हो कि ईडी हो कि इनकम टैक्स हो, इसको पीछे लगा लेते, बदले की राजनीति हो रही है। कई लोगों का मानना है कि भारत का वित्त मंत्री और भारत का गृह मंत्री वो भी आलोचनाओं की वजह से शिकार हुए, आज उनको बेल मिली है। खुशी की बात है, भगवान भला करे सुप्रीम कोर्ट का, कि आज के दिन उनको बेल मिली है, उनको जेल में रखा। जो लोग शरद पवार जैसे नेता के ऊपर ईडी का नोटिस आ गया जब उन पर एक एफआईआर में उनका नाम नहीं था, बदले की राजनीति,
अभी बजाज के बेटे ने कह दिया, इतना बड़ा उद्योगपति जिस पे कोई आंच नहीं है, वो महात्मा गांधी की लेगेसी वाला बेटा उनका, और उसने कह दिया तो ट्रोल डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पे, यहां पे जो दफ्तर चलता है उनका ट्रोल का, उन्होंने कितनी गालियां दी, कितनी आलोचनाएं की, कुछ भी। अभी आप कहते उद्योग के नाम पे, आप लोग तो बहुत यंगर जनरेशन के बहुत समझदार होंगे। आज ऑटो इंडस्ट्री आप जरा देखिए तो रांची में भी, बाकी जगह भी, पिछले 6 महीने में कितनी गाड़ियां खरीदी गई थी और उसके पहले कितनी गाड़ियां खरीदी जाती थी, चाहे स्कूटर या मोटरसाइकिल, 40% से ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री कम हो गया है, करीब करीब बंद हो गया है, कई जगह प्रोडक्शन बंद हो गया है। जब प्रोडक्शन बंद होगा, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे आपका एविएशन इंडस्ट्री हो, ये जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जाहिर है कि गरीबी और बढ़ेगी। आज आप देखने गरीबी पे ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं अभी मैं, लेकिन आपने कल ही सुना होगा कि हर जगह रेलवे ने भी, जो हमेशा फायदे में रहता था, इन दाम पे नजर डाल लो, आप लोगों के नौकरियों पे दाम नजर डालो, किसानों को उचित मूल्य में मिला है क्या, किसानों की भलाई कर रहे हैं, बड़े बड़े नारा दे देते हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत का नारा दिया, आज कितनी स्वच्छता दिखाई पड़ रही है, कहते जाते 11 करोड़ शौचालय बना लिया, अबे किसने गिना है, किसने देखा है, कहां बनाया है, बताओ तो सही, कहीं शौचालय के नाम पे घोटाले पे घोटाला तो नहीं हो रहा है। ये बातें कर करके भटकाने का, मुख्य मुद्दों से बहकाने का, और उसके बाद चुनाव की घड़ी में आके कहना कि एक सरकार ये और एक सरकार वो दोनों मिल जाए, यहां की और वहां की, तो क्या तरक्की होगी? हो गई तरक्की? अभी हमारे आदरणीय रामेश्वर उरांव जी कह रहे थे कि इन्होंने बिजली बत्ती का वायदा किया था 18 में, हो गया। पानी का वायदा दिया था, हो गया। स्वच्छ पानी में, अरे स्वास्थ्य का मामला ले लो, शिक्षा का मामला ले लो, बिजली का मामला ले लो, पानी का मामला ले लो, नौजवानों का मामला ले लो, और महिलाओं के बारे में उनकी सुरक्षा का तो जितना कम है बेहतर। इस वक्त बात बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत दर्दनाक हो जाएगी, उस पर अगर ना ही रोशनी डालो ठीक है। इसलिए मैंने कहा मेरी बातों पर गौर कीजिए आप, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोलता हूं। आपने देखा होगा मैंने अभी तक किसी का नाम भी नहीं लिया। हमें नाम से क्या मतलब, हमें काम से मतलब है। आप काम अच्छा करो, इश्यू लेके आओ, आप काम अच्छा करो, आपकी जय जयकार करेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो ये भी याद रखिएगा, बिहार झारखंड की पुरानी कहावत कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अच्छा नहीं करोगे तो आलोचना भी आप ही की होगी, भर्सना भी आप ही की होगी। चुनाव के समय लारे लपटे मीठी मीठी बातें और मीठे मीठे वायदे करके आप तब तक बहकाओगे। अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, हर आदमी को हर बार आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आप बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोग हर बहुत लोगों को कुछ वक्त के लिए आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर लोगों को हर बार आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ये चुनाव की घड़ी है, दोनों एक हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, झारखंड सरकार और हमारे केंद्र की सरकार। हमारी उनसे दोस्ती है, मैं भले उनके साथ नहीं हूं, मैं तो सबका सम्मान करता हूं, मैं कभी किसी विरोधी को दुश्मन नहीं मानता हूं। जो विरोधी भी हैं वो अपने ही परिवार के हैं, अपने ही समाज के हैं, अपने ही चाचा है, मामा है, भैया है, बाबू है, अपने ही घर के हैं, विचारधारा अलग अलग।
रहती है, लेकिन हम विरोधी को दुश्मन नहीं, उनको भी अपना मानते हैं। लेकिन जब हमने देखा नोटबंदी पे, आपने देखा होगा दीपक बुझने के पहले बहुत जोर से भूकभुकाता है, ये जाने की घड़ी है उन लोगों की, जाने के पहले फिर कहीं कुछ ईवीएम का खेल ना हो। मैं यही प्रार्थना है कि आप लोग इस पे भरपूर निगरानी रखिएगा। पिछले बार लोग कहते हैं कि सिलेक्टिव तरीके से 250-250 से ज्यादा ईवीएम का खेल हुआ, जिसमें बड़े बड़ों को पछाड़ दिया गया, लोग कहते हैं। इसलिए आपको भी चौकन्ना रहना है, और आपको ये चौकन्ना रहना है उसके अलावा कि हम लारे लप्पों में आए कि यथार्थ की दुनिया में आए। हमें अपना परिवार, अपने समाज, अपने वतन, अपने प्रदेश, इसका भला करना है कि चंद लोगों के लाभ के लिए लॉलीपॉप के चक्कर में बेड़ा घर कर देना। ये चुनाव की घड़ी बड़ी मुश्किल से आती है, 5 साल में एक बार। इस बार अगर जरा भी चूके तो शायद अगले 5 साल फिर घुट घुट के मरेंगे या घुट घुट के जिएंगे। इसलिए फैसला आपके हाथ में है। आपने देखा होगा मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके परिवार के सदस्य के नाते, यकीनन मैं सनी टोपो जी के समर्थन में आया हूं, और मुझे लगता है उनको सुनने के बाद तो और लगा कि बहुत ही डिजर्विंग उम्मीदवार हैं, बहुत काबिल हैं, इनके अंदर आत्मविश्वास है। मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था इनको, और मुझे लगता है कि आप लोग के आशीर्वाद से इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और इनका भविष्य अगर उज्जवल होता है तो मैं समझता हूं पूरे लोगों का और झारखंड के विकास का, झारखंड की संपन्नता का, झारखंड के अंदर जो जो भी हुआ है तो उसको हटाते हुए, कमियों को पूरा करते हुए, खामियों को दूर करते हुए एक उम्मीद की किरण नहीं बल्कि प्रकाश पुंज बनाकर सामने लाएंगे। आज के दिन में यही कामना है, शुभकामना, मनोकामना, प्रार्थना। आप तमाम मांडव के लोग, तमाम लोग जिंदाबाद। आपने इतने मान सम्मान प्रेम के साथ आपने मेरी बात सुनी। मैं इसीलिए कहता हूं कि चुनाव की घड़ी में उनसे पूछ लो आप कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, आज इतनी गहरी चिंता की रेखाएं क्यों है हमारे अपने झारखंड के लोगों पे, ये नोटबंदी क्यों की, ये विकास क्यों नहीं किया, कहते रहे कि किसान इतने आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, हमारे नौजवान इतने अशिक्षित या इतने बेरोजगार क्यों हैं? तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। काली कप्तान को मिलेगी तो काली भी कप्तान को मिलेगी। मैं आपका अपना भाई, आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपको पुनः प्रणाम करते हुए समर्थन की, सनी टोपो जी के समर्थन की कामना करता हूं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन की कामना करता हूं। इसके साथ ही आपसे आग्रह लेता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। और अब जो बहकाने आए, भटकाने आए, एकजुट और एकजुट में आकर कह दीजिए उनको खामोश।